गर्मी के लक्षण वाली बात होती है, फ्रीजन वगैरह ज्यादातर गाय चिल्लाती है बहुत, इतना चिल्लाती है कि आप सो नहीं पाएंगे। कोई उपाय नहीं चुप कराने का, जब तक उसका समय नहीं बीतेगा वो चुप नहीं होगी। जो मान लीजिए चिल्लाती है तो कोई उसमें कन्फ्यूजन है ही नहीं है। जो जानवर नहीं चिल्लाते हैं उनमें लक्षण ये है कि उनकी जो पेशाब के रास्ते पे उस पर स्वेलिंग आ जाती है और योनि से चिपचिपा पदार्थ पानी जैसा उसका स्राव होता है। दूसरे पशुओं पे वो चढ़ेंगी या अपने ऊपर दूसरे पशुओं को चढ़ने के लिए अलाउ करेंगी। वो खड़ी है उसके ऊपर दूसरा जानवर चढ़ रहा है, स्टैंडिंग हीट कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान करने का बिल्कुल सही समय यही होता है जब वो खड़ी हो और अलाउ कर रही हो कि दूसरा जानवर उस पर चढ़ रहा हो, इसको कहते हैं स्टैंडिंग हीट। बिल्कुल सही समय है, अगर आप इस समय सीमेंट डलवाएंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस सबसे अधिक है। दूसरी चीज़ जो हीट वाला समय निर्धारित करने का होता है कि भाई अगर आप सही समय पर सीमेंट नहीं डलवा रहे हैं, वो भी एक कारण है कि आपकी गाय रुकेगी नहीं। उसमें ये आवश्यक है कि आप ये जानें कि कब से हीट शुरू हुई, तो उसमें हीट कब शुरू हुई ये इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उस सुबह शाम कम से कम दिन में दो बार या संभव हो तो दोपहर में भी अपने जानवर को जब आप चारा पानी डालने जाते हैं तो एक बार पीछे की तरफ निगाह जरूर कर लें कि वहाँ पे कोई ऐसी हरकत स्वेलिंग के रूप में या डिस्चार्ज के रूप में, गाय की बात कर रहे हैं भैंस पे हम बाद में आएंगे, ऐसी स्थिति तो नहीं है। अगर है तो आप समझ लीजिए कि हीट की शुरुआत हो रही है।